Hello everyone, welcome back टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल और मैं हूं हूँ ब्लैक्सउट तो आज जी हाँ आज बहुत दिनों का जिससे बेसब्री से इंतजार था हमारे क्यू एन ए का जी हाँ अब तक तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्यू एन ए होने वाला है तो फर्स्ट क्यू एन ए का बहुत बेसब्री से इंतजार था आप सभी को ऊपर हमने वेट बहुत ज्यादा करा दिया आप सभी को हम मानते हैं बात पर आओ आखिरकार आ चुका है आपका क्यू एन ए जी हाँ आज सारे जवाबों के जवाब यहीं दिए जाएंगे सवालों के जवाब जितने भी हैं जैसे भी हैं सबके जवाब आपको मिलेंगे तो ट्राई करेंगे हम हर एक बंदे का क्वेश्चन का रिप्लाई करें जितने भी कमेंट करिए पर इतना नहीं है कि हम हर एक किसी का कमेंट उठा के यहाँ पे रिप्लाई करें क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी उससे क्या होगा कि फिर आप लोगों को मेरे ख्याल से बुरी आता जाएगी कि क्वेश्चन को रिपीट सुन सुन के तो हम लाइव भी करते हैं तो लाइव में बाद में देख लेंगे क्या सीन है क्या नहीं होने वाला है फिलहाल चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन से चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ बात करें तो क्वेन के बारे में तो क्वेने में आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए और आज हम ट्राई करेंगे हर एक क्वेश्चन का कि डी आर एन गेम क्यों नहीं खेलते हैं टीम डी में कैसे आए वो क्या करना है वो कैसे करना है तो सारे जवालों के जवाब आपको यहीं पे मिलने वाले जी हाँ सवाल के सबके जवाब यहीं मिलने वाले हैं तो सबसे पहले नाम तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है संदीप पंत गोस की तरफ से जी हाँ तो ये पूछते हैं कि ब्लैक साउट का फुल नेम क्या है तो ब्लैक साउट का फुल नेम है मुकुल चौधरी तो ये था आपका पहला क्वेश्चन तो दूसरा भी इन्होंने साथ ही ज्वाइन किया है याही का डिवाइस कौन तो यही रिसेंटली डिवाइस स्विच किया था वो आईफोन इलेवन में खेलता है जी हाँ आईफोन इलेवन में खेलता है यही और इनकी तरफ से संदीप घोष की तरफ से तीसरा क्वेश्चन आता है जिसमें ये बोलते हैं कि गिल्ड में कैसे आए वी वांट वीडियो तो इनको गिल्ड में आने के लिए वीडियो चाहिए अगर आप सभी लोगों को भी ऐसा लगता है कि टीम डी में आने के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए तो रिसेंट जल्दी हम बना देंगे जैसे आप इस क्यू एन ए को देखोगे इसके बाद अगले ही दो दिन में आपको वीडियो देख जाएगी पर कमेंट करके जरूर बताएं जी हाँ आपको चाहिए या नहीं चाहिए तो मैं आपको प्रॉपरली सब कुछ बता दूंगा कि टीम कैसे ज्वाइन करनी है गिल्ड में कैसे आना है और क्या क्या सीन रहने वाला है टीम डी में आने के बाद तो ये थे इनके जवाब सारे संदीप घोष के चलते हैं अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन आता है गैंग ऑफिशियल की तरफ से डी महेंद्र ने तो पाऊंगा बताना डी महेंद्र तो वही बेटर रहेगा क्यों ना डी महेंद्र से पूछ लिया जाए आ चुके हैं डी महेंद्र के साथ तो डी महेंद्र ही बताएंगे कि डी महेंद्र आपने ओल्ड गिल्ड क्यों लेफ्ट किया था कोई ऐसा मेन रीजन तो था नहीं पर ऐसा था कि मेरे को गेम प्ले दिखाना था अपना वहां अच्छा, पे चांस नहीं मिल रहा था अच्छा अच्छा तो यहाँ पे आके चांस मिल गया अच्छा तो, तो टी, टीम डी के अंदर ऐसा क्या अच्छा लगता है फिर आपको ऐसा टीम डी के अंदर हम्म हम टीम डी के अंदर सब कुछ अच्छा है जो भी है सब अच्छा ही है मतलब हर जगह चांस मिल रहा है ओके सब फैमिली जैसे लगता है कोई वो नहीं है अच्छा सब कुछ तो डी महेंद्र का जवाब आपने सुन लिया जहां पे गेम प्ले वहाँ पे डी महेंद्र दिखेंगे क्योंकि डी महेंद्र को अपना गेम प्ले के दम पे जो किया है वो किया था तो जहाँ पे गेम प्ले होगा वहाँ पे ये बंदा दिखेगा आपको डी महेंद्र नाम से जी जहाँ और इनके एक यूट्यूब चैनल भी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फॉलो सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल देरी ना करना तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम फिर से योद्धा ऑफिशियल डब्ल्यू की तरफ से एक और क्वेश्चन आता है टीम डी का सेकंड गिल्ड कप बनेगा प्लीज टेक माय क्वेश्चन तो इनके क्वेश्चन को जरूर लिया जाएगा क्योंकि टीम डी का बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि टीम डी में <laughs> रिकॉर्ड कर रहा हूं साले बहुत ज्यादा ऐसी कमेंट आती हैं और मैसेज आते हैं कि टीम डी का सेकंड गिल्ड में हमको ऐड कर लो या फिर टीम डी का सेकंड गिल्ड कब बनेगा क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि टीम डी का सेकंड गिल्ड है है या नहीं बहुत लोगों को लगता है कि टीम डी का सेकंड गिल्ड है या तीसरा गिल्ड है फोर्थ है तो मैं आप सबको ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा योद्ध ऑफिसियल की तरफ से क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि टीम डी का कोई भी सेकंड गिल्ड नहीं है सिर्फ एक ही गिल्ड है जो कि आप सबके सामने होने वाला ही है जिसमें सारे के सारे बेहतरीन चमकते हुए सितारे होने वाले हैं तो इससे अलग कोई गिल्ड नहीं है टीम डी का सिर्फ एक ही है आप जिसमें भी या किसी को भी देखते हो टीम डी की गिल्ड तो सीरीज

गुस्सा नहीं आता देखो सीन क्या है हाँ पे में अगर आप आते हो तो कुछ लोग आपके सपोर्टर भी होते हैं हेटर्स भी आते हैं अगर आप छोटी मोटी बातों पे गुस्सा होने लगे तो भाई कैसे ऐसे कैसे चलेगा <laughs> वो कावत तो सुनी होगी ना गांधी जी वाली अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए तो वही वाला गाल पे मारेगा ना तो गाल आगे करने का ये ले देख नहीं मारा ना भाई इसने तो चिपका दिया टीम डी का फेवरेट प्लेयर कौन है टीम डी का फेवरेट प्लेयर एक तो मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ मोस्ट ऑफ द आप सभी लोगों को मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स को यही पसंद आता है डी महेंद्र के पास मूवमेंट ऑफ थर्स हर एक चीज देखने नजर आती है और साथ ही साथ अपने डी आई हो जाते हैं मतलब सारे बंदे अच्छे हैं एक बात बोलें तो टीम डी में सारे बंदे अच्छे हैं और सारे एक दूसरे को अच्छे से पसंद करते हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं फेस कैम लाइव स्ट्रीम कप करने वाले हो इस चैनल पर बंद मिले तो तब करते हैं दिक्कत क्या रही है आपके ऊपर है आपको अगर कल कराना है तो वन मिलियन करा दो कल करना परसों से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी जो का पार्ट करेंगे वन मिलियन के बाद ही <coughs> तो ये होता है इनका भी अगला क्वेश्चन आता है नॉन स्टॉप मस्ती की तरफ से कि आपकी टीम के अनबीटेबल स्ट्रेटजी को लीड करने वाला मेंबर कौन है प्लीज पिक अप माय क्वेश्चन तो ये होता है सीएस का क्वेश्चन है लव यू टीम डीएस लव यू टू माय ब्रो तो ये होता है सीएस का तो क्यों ना सीएस के प्लेयर्स को बुला लिया जाए जी हाँ टीम से अपने आर्यन को और महेंद्र को महेंद्र तो चलो हमारे साथ हैं तो रॉकर को बुला रोकर भाई ऐसे ही बोल क्या वाला भाई डर लग रहा है ये ये थोड़ा ठीक कर लेना अपने भाई का <laughs> कौन है ये कौन है कौन कौन है कौन है, कौन ही कौन है? कौन है? को, हमारे को अबे हमारे को बोलना क्या है अरे कहना क्या चाहते हो तो हमने आर्यन और रॉकर को बुला लिया है अपने साथ तो एक तरफ होने वाले हैं रॉकर है या चलो अब एक क्वेश्चन आया था हमारे नॉनस्टॉप मस्ती की तरफ से तो टीम डी की स्ट्रेटजी क्या कुछ रहती है कुछ बताना चाहो लाइट हेलो भाई हंस क्यों रहे हो अरे बैठचो नॉन स्टॉप की मस्ती का जवाब देने के लिए आ चुके हैं हमारे पास रॉकर और आर्यन और महेंद्र तो कैसे हैं तुम तीनों भाइयों? जवाब देने के लिए तैयार हो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आया आप सब लोगों के लिए जरूर हाँ, हाँ, जरूर

हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ऐसा कुछ है कि कोई लीड करता है मोस्ट ऑफ द टाइम हीट ऑफ द मूमेंट हो जाता है या फिर तुम्हारे बंदे ज्यादा नॉक हो जाते हैं फिर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि सामने वाली स्कोर तुम्हें बहुत ज्यादा चढ़ रही है लाइक तुम्हें बीट करने के पूरे मूड में है सामने और टक्कर किया तो उस वक्त कौन सा ऐसा बंदा होता है जो मेन रोल करता है कि तुम्हें अंदर से करता हो उत्साहित कर सकते हो तुम कर सकते हो अच्छा करेंगे इस बार की ऐसा करो या फिर ऐसा करो इनको ऐसे खेलना है या फिर ऐसे खेलना है उस टाइम की स्ट्रेटजी रहती है अरे हम चारों के अंदर ऐसा कोई लीडर वगैरह कुछ है नहीं बस अच्छा दोस्त की तरह एक दूसरे को हिम्मत हैं जरा अच्छा बढ़ा है ये है कि तुम एक दूसरे की सुनते हो जिसको जो सही लगता है एक दूसरे को जवाब देते हो है ना न बिल्कुल इधर ऐसा नहीं, नहीं है कि एक बंदे बात चारो, चारो की बात सुनते हम चारों चारों की बात सुनते तभी मैच हो पाता है अच्छा अच्छा चारों की एक दूसरे की सुनते हो जिसके आइडिया बेटर लगते हैं जो अच्छा कर रहा है उसके साइड चले जाते हैं फिर वो वाला सही रहता है ना ओके okay, तो ये थे मस्ती आपके क्वेश्चन और फ्यूचर में अगर आप सबको जी सी एस स्क्वाड के साथ स्पेशल क्यू एन ए वीडियो चाहिए आर्यन महेंद्र बाहुबली और डी ए और डी ए के साथ तो जल्दी आप सबके साथ एक क्यू एन ए वीडियो भी आ जाएगी तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो अपना क्वेश्चन आता है फिर से एक जयदीप सिंह की तरफ से ठीक है ना ये बोलते हैं कि RNS, नहीं खेलते कस्टम एंड ऑल तो इनका क्वेश्चन डी आर एस को बुला लेंगे जवाब देने के लिए कुछ ही देर में उसको छोड़ते हैं तो आगे का आता है इनका सर, साउट सर आप एक कस्टम खेले और मेरी जगह जो काउंट्री करेगा वो पता है कौन होने वाला है डी आर एन काउंट्री करें तो इस बारे में क्या विचार है आपका डीआरएन क्या आप काउंट्री कर पाओगे मेरी जगह पे आके कर लेंगे कर लेंगे क्या सह लेंगे थोड़ा सा कर लेंगे कर लेंगे क्या करें मैं तो तु, मैं तुम्हारी तु, जगह पाने के लिए तैयार हूं बिल्कुल YouTube died क्या क्या बोला तूने YouTube died <laughs> तेरे सीधा स्कैम मार रहा है सीधा स्केम मार रहा है <laughs> चलो जयदीप सर आपने छाड़िया करेंगे, तो किसी किसी <laughs> तो करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा आता था अनुस बी सेवन वन जीरो क्यों नहीं खेलता प्लीज टेक माई क्वेश्चन तो इसका क्वेश्चन का जवाब देने के लिए खुद आ चुके हैं हमारे डी गजब बेइज्जती है

तो वही वाला सीन है एक जगह पे दो जगह होना मुस्काह हो जाता है इस वजह से डी ने फुल मैप से थोड़ा सी एस एस थोड़ा त्याग करके फुल मैप की तरफ कदम बढ़ाया और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इनके एक यूट्यूब चैनल भी है जिस जिनपे अपने छोटे मोटे टूर्नामेंट्स के माउंटेस भी डालते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जाके फॉलो कर लो थोड़ा लड़के को और सपोर्ट दिखाओ इसके यूट्यूब पे महेश राय की तरफ से क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन ही पहले तो ने अप्रिशिएट किया है कि इनको डीआई का फ्लैंक जो होता है हेडशॉट जो होता है काफी अच्छा लगता है मतलब हेडशॉट वगैरह काफी अच्छे तो नहीं है तो उनके साथ बाद में करेंगे हम वगैरह तो क्वेश्चन है इनका कि टीम डी की स्क्वाड का कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क अव्यसम है कैसे कैसे प्रैक्टिस करते हो आप लोग ये बताओ

बस यही अच्छा ये वाला सीन है तुम्हारा मेन फोकस सी एस रहता है गेम को जितना खेल रहे हो एंटरटेनमेंट परपस के लिए खेल रहे हो लाइक like, ऐसा नहीं है कि भयंकर तुम्हें कहीं कुछ करना है गेम में स्टडी पे ज्यादा फोकस है साइड में ना तो जो भी स्पोर्ट्स में भी देखेंगे आगे फुल मैप अगर स्टार्ट करना होगा तो फुल मैप भी देखेंगे अच्छा तो इन सब का क्वेश्चन आपने पढ़ा कि सीन क्या है इन ये स्टडी पे भी फोकस करते हैं इससे क्या होता है सी एस में भी खेल पाते हैं और स्टडी पे क्योंकि फुल मैप अगर आप खेल रहे हो तो आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है स्पोर्ट्स को अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा पहले आप स्टडी पे ध्यान दो पहले अगर फुल मैप खेलना है तो इनका यही मेन सीन है स्टूडेंट हैं ज़्यादा है इनको अभी लाइक स्टडी वगैरह करनी है लंबी तो इस वजह से इनका स्टडी पे भी फोकस रहता है गेम पे भी तो सी एस को एज अ एंटरटेनमेंट परपजस आपके लिए खेलते हैं ये सब बंदे तो ये सीन है इनका ठीक है भाई अगला क्वेश्चन आता है काना भाई की तरफ से तो ये पूछते हैं कब लाओगे प्लीज टेक आंसर तो देखो सर क्या है ऐसा स्पोर्ट्स हाईलाइट का सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने ट्राई किया था बीच में दो तीन बार की मैं आपको स्पोर्ट्स हाईलाइट दू तो आप देखेंगे देखेंगे या सपोर्ट मिलेगा तो सीन क्या था मैंने वो डाली थी काफी बार तो लोगों को पसंद आई कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा था कि स्पोर्ट्स हाईलाइट में डालो फुल सी डालो ये डालो वो डालो फुल मैप में डालो

तो बुरा लगा था और सर्वाइवर्स से मेरे को ये आया था कि उनका टीम से खेल लो वो लोग अभी परफॉर्म कर रहे हैं हाँ। वगैरह और सर्वाइवर्स मेरा वैसे भी बहुत पहले वेम हाँ, हाँ, स्टार्टिंग से दोस्त थे तो अमित भाई ये लोग भी है मान लोग भी है हाँ। तो मैं सोचा ट्राई कर देता हूँ तो ये सर्वाइवर्स ज्वाइन करने का वो फैसला लिया था वरना टीम डी को मेरे को कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है अभी भी दोस्त अभी भी भाई लोग अभी भी बात चलता है खेलते भी है साथ में ऐसे कुछ ये नहीं है बस थोड़ी टाइम के लिए मैं नया कुछ ट्राई करा था वापस जाके सर्वे बस में अच्छा। सो so फैमिली आज की वीडियो को करना चाहेंगे हम यहीं पे एंड क्योंकि बात करें आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे और टाइम था, था थोड़ा कम तो आगे की जो क्वेश्चन है उनको हम कंटिन्यू करेंगे आगे की पार्ट की वीडियो में जी हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो का लाइक में होने वाला है बीस हज़ार अगर इस वीडियो में बीस लाइक आती है तो बीस लाइक के बाद तुरंत तो ही हम पार्ट टू लेकर आ जाएंगे इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन का जवाब दिया गया था जिनके ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पैम थे कि जो मेन मेन क्वेश्चन होने वाले हैं तो आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे टिल एंड टेक केयर बाय बाय सेव रीवन लव यू